हाँ सर, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हमारी जौनपुर रेस्क्यू टीम अभी सुल्तानपुर से एक रेस्क्यू करके आ रही थी, तो ऐसे में हमें सूचना मिली। तो अभी हम आए हुए हैं ग्राम सभा अनुसार, जो कि क्षेत्र सिंगराम में लगाता है। तो यहाँ पे हम आए हुए हैं, बहुत ही गरीब परिवार है, तो बहुत ही दुखद उनकी कहानी है। तो उनकी 3 लड़कियाँ ही हैं और रहने को जगह नहीं है। तो ऐसे में हम लोग आए हुए हैं और चलते हैं, देखते भी हैं और आपको भी दिखाते हैं। और उनको कोई भाई नहीं है, तो मैं आज आया हूँ इस रक्षाबंधन के पावन पर्व पे रक्षा बनवाने के लिए और इनको अपना सिस्टर मानने के लिए। चलिए चलते हैं। और आप क्या नाम है बाबू आपका? नाम शीतल यादव। शीतल यादव। मम्मी क्या नाम है? श्रीमती अमृता यादव। श्रीमती अमृता यादव। तो ये 3 लड़के आपको? हाँ, सर, तीन लड़की आई। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, 3 लड़कियां हैं इनको। और रहने वगैरह का व्यवस्था कहाँ है? खाना पीना सर? और सोना बैठना है? और पापा क्या करते हैं? अच्छा, मतलब मजदूरी का काम करते हैं जैसा कि। तो चलिए ठीक है। तो फिर अभी हम आए हुए हैं और हम जो है इनसे अभी इस रक्षाबंधन के पावन पर्व पे हमारी जौनपुर रेस्क्यू टीम हमेशा जो कि असहायों और बेजुबानों के लिए तत्परता से खड़ी हुई 24/7। तो आज चलते हैं और इस इनको हम अपना सिस्टर मानते हुए हम इनसे रक्षाबंधन मनवाएंगे। और चलिए चलते हैं। आज से जो है मैं इनको सिस्टर मानता हूँ। आज के बाद आपको पढ़ाई लिखाई का जो भी खर्चा रहेगा आप मुझे कॉल करेंगे, आपका मैं नंबर दे देता हूँ, नंबर दे दीजिएगा इनको। हाँ, तो आप कॉल करिएगा, जो भी पढ़ाई लिखाई में आपको कापी कलम फीस वगैरह कुछ भी लगेगा आप मुझे फ़ोन करिए, हम लोग तुरंत आपको बताएंगे। और हमेशा आपको कोई परेशानी होती है, दुख है, तकलीफ है, बीमारी है, कुछ भी है, आप कॉल करिए, सब कुछ होगा, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आए तो अपनी मम्मी से मदद ले लीजिएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं और आपको जो है इनके रहन सहन का व्यवस्था दिखा देते हैं, यहाँ पे रहते हैं। तो आइए साथ में। आइए जैसे देख सकते हैं यहाँ पे सोने का यही रहने का व्यवस्था और खाना पीना यही होता है। और कहीं पे और घर वगैरह बस यही बारिश वरिश में तो समस्या होती है। कौनों कौनों दिन साहब हम खाना भी नहीं बनाते हैं। अच्छा, अगर बारिश हो जाती दोनों तरफ पानी इधर आ जाता है दोनों साइड पे, तो हम खाना बच्चे के लिए करो ऐसे सो जाते हैं। दोस्तों यहीं पर ये खाना बनाती हैं। फ्रेंड्स यही इनका रहन सहन है और यहीं पर ये सोती हैं। तो हैप्पी रक्षाबंधन दोस्तों, और जौनपुर रेस्क्यू टीम की तरफ से, और जय हिंद जय भारत।